हेलो दोस्तों, साबू की किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी सी मिठाई। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मिठाई बनाने के लिए हमने यहाँ पर 100 ग्राम मूंगफली ली हैं और हमारे पास कच्ची मूंगफली थी तो इन्हें रोस्ट करना ज़रूरी है। अगर आपके पास भुनी हुई मूंगफली हो तो आप वो भी ले सकते हैं। मूंगफलियों को भुनने के बाद में थोड़ा ठंडा करके इन्हें साफ़ कर लेंगे। देखिए, हमने ये साफ़ कर ली है, एक भी छिलका इनके ऊपर नहीं है। अब इन्हें हम मिक्सी के जार में डाल लेते हैं। मिक्सी के जार में डालने के बाद में अब इन्हें हम पीसेंगे। तो चलिए पीस लेते हैं। देखिए, मूंगफली को हमने पीस लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से पीस चुकी है, बारीकी एकदम। और हाँ, हमें इन्हें छानना नहीं है क्योंकि थोड़ी हल्की सी ये दरदरी ही बहुत अच्छी लगती हैं। तो चलिए अब इन्हें एक बाउल में निकाल देते हैं। यहाँ पर मैंने चॉकलेट बिस्किट का यूज़ किया है, देखिए। और इनकी जो क्रीम है मैंने एक साइड निकाल ली है। मैंने यहाँ पर 3 पैकेट लिए हैं, आप अपने परिवार के हिसाब से ले सकते हैं। तो अब इन्हें भी हम मिक्सी में पीस लेंगे। देखिए, ये भी हमने पीस लिए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पीस चुका है, इनका पेस्ट बन गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। और इस पाउडर को भी हमें नहीं छानना है, एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो चलिए आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच देसी घी लिया है, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं जो अवेलेबल हो। और गैस को यहाँ पर मीडियम ही रखना है, हमें हाई नहीं करना है। अब ये मूंगफली को हम थोड़ा थोड़ा इसमें भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि मूंगफली ऑलरेडी हमारी भुनी हुई है। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम जो क्रीम हमने निकाल कर रखी थी। ये मिठाई आप त्यौहार से पहले, बाद में या त्यौहार पर कभी भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और इसमें हम 3 से 4 चम्मच दूध डालेंगे ताकि वो थोड़ी ढीली सी हो जाए। अब मैंने 1 चम्मच घी का और यूज़ किया है, वही कढ़ाई ले ली है जिसमें मूंगफली रोस्ट की है। अब इसमें डालेंगे हम बिस्किट, जो बिस्किट हमने पीस कर रखे थे। अब इनको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये वाली मिठाई क्या है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। और इसमें हमने लिया है 1/2 कप दूध, उसी बाउल में ले लिया है जिस बाउल में हमने बिस्किट पीस के रखे थे। तो चलिए इन्हें मिला लेते हैं। और गैस को आप यहाँ पर हाई नहीं करना, बिल्कुल भी लो रखना है आपको गैस को। तो देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। हमें इसमें चीनी नहीं डालनी है, ना हमने मूँगफली में डाली और ना ही इसमें बिस्किट में डाली। आप चाहे अगर ज़्यादा मीठा खाना चाहें तो थोड़ा बहुत इसमें चीनी का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बटर पेपर ले लिया है और हमने जो बिस्किट इसमें रोस्ट किए थे इनको भी इस पर डाल लेंगे। और हाथों पे थोड़ा घी या बटर या रिफाइंड ऑयल जो लगाना चाहें वो थोड़ा सा लगा लें। और इसको हमें ठंडा बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा गुनगुना सा ही हमें इसे फैलाना है। और आराम आराम से फैलाइएगा, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है। और चारों तरफ इसको अच्छे से हाथों से या इस स्पैचुला की मदद से आप जिससे भी चाहें फैला सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैं फैला रही हूँ, एक चाकू से साइड से किनारे इसके अच्छे से बना लीजिएगा। तो देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी बिस्किट की जो लेयर है वो फैल चुकी है। अब इस पे डालेंगे हम ऊपर मूंगफली। और मूंगफलियों को हमें बड़े धीरे धीरे फैलाना है क्योंकि हमारी एक लेयर नीचे बिछी हुई है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो वो लेयर क्या है, फट जाएगी नीचे से। तो मूंगफलियों को बड़े आराम से आपको फैलाना है इसके ऊपर, और ऐसे ही चारों तरफ से इसे इक्वल साइज में कर लेना है। और हर घर में त्यौहार पर मिठाइयाँ तो बनाई जाती हैं, तो क्यों ना हम घर पे ही मिठाई बनाएं, बाज़ार से क्यों लाएं, जब बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान और कम खर्चे में हमारी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी और बच्चे भी खुश रहेंगे। कभी भी आप बना के खिलाइए आप अपने बच्चों को, और ना ही इसमें ज़्यादा खर्चा है और ना ही ज़्यादा समय लगता है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना चाहें तो थोड़ा डाल लीजिएगा, नहीं तो ना डालिएगा, ऐसे ही बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से ये फैल चुकी है। अब बटर पेपर को हम धीरे धीरे इसे रोल करेंगे। वैसे जल्दबाजी इसमें बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि क्या है, जो लेयर है अगर हम जल्दी करेंगे तो वो टूट सकती है। तो इसलिए हम इसको बिल्कुल आराम आराम से फैलाएंगे। आप इसको किसी शेप में अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, गोल शेप में। अगर आपको दूसरी शेप बनानी हो तो फिर इसमें क्या है, आपको 3 लेयर लगानी पड़ेंगी।
पहले भी आपको बिस्किट की लेयर लगानी पड़ेगी, फिर आपको मूंगफली की, फिर ऊपर एक बिस्किट की लेयर और लगानी पड़ेगी अगर आप चकोर शेप में इसको देते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसका रोल बनाया है, तो आप भी रोल बना लीजिएगा। तो चलिए अब इसको ठंडा होने के लिए हम फ्रीजर के अंदर 1 घंटे के लिए रख देते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप फ्रीजर के अंदर रख रहे हैं तो 1 घंटे रखिएगा, अगर फ्रिज के नीचे की वाली साइड में रख रहे हैं तो 2 घंटे रखिएगा। तो चलिए हमारी मिठाई क्या है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से जमकर तैयार हो चुकी है और मैंने इसको 1 घंटे बाद निकाला है क्योंकि मैंने फ्रीजर के अंदर रखा था। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है, जम भी बहुत अच्छी गई है। तो अब हम साइडों की लेयर को निकाल लेते हैं। अब मैंने इसे प्लेन चाकू की मदद से काटा है और ये साइडों की लेयर को फेंकना नहीं है, ये भी एक इसी का हिस्सा है, इसको भी खा लेना है। और मैंने प्लेन चाकू का यूज़ इसलिए किया है ताकि इसमें दरार ना बन जाए। तो मैंने यहाँ पर थोड़े बड़े बड़े पीस काटे हैं, आराम से कट जाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट हैं और आप चाहे तो छोटे पीस या जैसे भी चाहें काट सकते हैं। तो चलिए इन्हें सभी को हम काट लेते हैं। और एक बार आप मेरी ये रेसिपी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दिवाली पर आप आपके बच्चे खुश हो जाएंगे और बार बार मांग कर खाएंगे, पूछेंगे मम्मी आपके और इस मिठाई को बनाइएगा आप। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही एकदम देखने में बहुत प्यारी लग रही है। तो चलिए आप प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।